दोस्तों हॉलीवुड की चकाचौंध और ग्लैमर से भरी हुई दुनिया को देखकर कोई भी इससे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह पाता। और इस पूरी दुनिया में हॉलीवुड जैसा शायद ही कोई दूसरा नाम हो जिसके अंदर हमारी कल्पनाओं को सच करने की शक्ति मौजूद है। वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, लेकिन हॉलीवुड एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो कि पिछले 100 सालों में सबसे तेजी से उभर कर सामने आई है। और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसे लोग सेंटर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री भी कहते हैं। और दोस्तों हॉलीवुड में करियर बनाना लगभग सभी कलाकारों का सपना होता है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन भी इतना ज्यादा है कि बहुत ही एडवांस टैलेंट रखने वाले लोगों को ही मौका मिल पाता है। और दोस्तों हम सभी लोगों को यह तो पता ही है कि हॉलीवुड की मूवीज कितनी रोचक और क्रिएटिविटी से भरी हुई होती हैं, लेकिन क्या आपको यह पता है कि हॉलीवुड की हिस्ट्री भी इसके मूवीज की तरह ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों हॉलीवुड बेसिकली कैलिफोर्निया के लॉस एंजलस के पास बसा हुआ एक जगह है, और यह एक ऐसे प्लेस के तौर पर दुनिया भर में पॉपुलर है जहां पर मूवीज और टेलीविजन सीरीज बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस जगह पर आज दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री मौजूद है, वहां पर पहले यानी कि 1853 तक सिर्फ एक दो झोपड़ियां हुआ करती थी, और फिर अगले 2 दशक में यह एरिया हरे भरे खेतों के रूप में तब्दील हो गया, जिसे कि लोग कहुवेंगा वैली के नाम से जानते थे। और फिर एक दिन HJ Wheatley, जिन्हें कि हम फादर ऑफ हॉलीवुड भी कहते हैं, वो अपने हनीमून के लिए इस जगह पर आए हुए थे, और वहीं पर एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर वह इस पूरी वैली को देख रहे थे। दरअसल HJ Wheatley एक बहुत ही बड़े रियल एस्टेट डेवलपर थे जो कि पहले ही 100 से भी ज्यादा टाउन्स को बसा चुके थे, और इस वैली को देखकर उनके अंदर यहाँ पर भी एक और नगर बसाने का आइडिया आया। और तभी वहाँ पर एक चाइना का आदमी लकड़ी से भरे हुए गाड़ी को लेकर उनके सामने पहुँच जाता है, और उस आदमी को देखकर Wheatley पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। और तब वह चाइनीज उनके सवाल का जवाब टूटी फूटी इंग्लिश में देता है कि आई हॉलीवुड, जिसका इंग्लिश में सही वाक्य था आई हॉलिंगवुड, मतलब कि लकड़ी खींचना। और फिर Wheatley ने डील के फाइनल होने के बाद से इस टाउन का नाम हॉलीवुड रखने का सोचा, और फिर कुछ समय के बाद उन्होंने यहाँ का 480 एकड़ जमीन खरीद लिया। और फिर Wheatley ने यहाँ के एक प्रमुख व्यापारी इवर वीड के साथ मिलकर इस एरिया को डेवलप करने का काम शुरू किया, और फिर साल 1900 आते आते इस जगह पर एक अच्छी खासी मार्केट तैयार हो गई। और दोस्तों लोग बताते हैं कि Wheatley ने हॉलीवुड को प्रमोट करने के लिए बहुत पैसे खर्च किए थे। उन्होंने बैंक्स का निर्माण करवाया, रोड्स बनवाए और हर वह सुविधा का बंदोबस्त किया जो कि एक आम आदमी की चाहत होती है। और चूंकि यह जगह शहर से बाहर थी और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ही अच्छा था, इसीलिए बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी यहाँ पर आकर बसने लगे। और फिर आगे चलकर 1910 तक ज्यादातर मोशन पिक्चर कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन का सेटअप न्यू जर्सी से शिफ्ट करके लॉस एंजलस के आसपास लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि यह जगह हर मामले में मूवी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छी थी। और दोस्तों डायरेक्टर DW Griffith ने पहली बार 1910 में हॉलीवुड के अंदर मोशन पिक्चर तैयार की जिसका नाम था इन ओल्ड कैलिफोर्निया। और फिर आगे चलकर हॉलीवुड जगह की इम्पोर्टेंस मूवी इंडस्ट्री में देखते हुए US के पूरे फिल्म इंडस्ट्री का नाम ही हॉलीवुड रख दिया गया। साथ ही 1923 में हॉलीवुड लैंड का बहुत बड़ा साइन पास के पहाड़ों पर लगाया गया जो कि इसके प्रमोशन के लिए था। और दोस्तों यहाँ का जो मुख्य अट्रैक्शन है यानी कि लोग जो देखने के लिए आते हैं वो है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम और हॉलीवुड का फेमस साइन। दरअसल हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम करीब 2 किलोमीटर में बसा हुआ एक फुटपाथ है जो कि वाइन स्ट्रीट से हॉलीवुड बुलेवार्ड के बीच में है, और यह जगह 1958 में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को याद रखने के लिए बनाया गया है, और यहाँ पर हर साल पूरी दुनिया से करोड़ों लोग इसे देखने आते हैं। और दोस्तों हॉलीवुड के अंतर्गत हर साल अगर एवरेज लिया जाए तो 600 मूवीज बनाई जाती हैं, साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भी फिल्म इंडस्ट्री है। और दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि HJ Wheatley यानी कि फादर ऑफ हॉलीवुड की मेहनत और दूर की सोच ही थी जिसने कि एक साधारण सी जगह को हॉलीवुड जैसे बड़े नाम में तब्दील कर दिया। उम्मीद करते हैं कि हॉलीवुड के एस्टेब्लिश होने की यह इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।